अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही गेमिंग कम्युनिटी और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं आज की फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि पीएमजीसी 2023 से रिलेटेड है। पीएमजीसी 2023 से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट्स ऐसी भी आ रही हैं कि इस बार पीएमजीसी 2023 में हमें कुछ मेजर अपडेट्स भी होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिनमें से फर्स्ट अपडेट ये है कि फर्स्ट दो जोन में एक एलिमिनेशन के दो पॉइंट मिलेंगे, और इसी के साथ साथ पहल की तरह हमें इन गेम बो को भी ऐड किया जा सकता है। और मजीद अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमें पहल की तरह इमरजेंसी पिकअप भी ऐड होते हुए दिखाई दे सकता है। गाइज ये कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, बाकी आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि कौन से फीचर को पीएमजीसी 2023 के मैचेस में ऐड किया जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइज, बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि अरसलान ऐश से रिलेटेड है। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि अरसलान ऐश केप डाउन शोडाउन से वापस आ चुके हैं, और वापस आने के बाद अरसलान ऐश हमें सऊदी फाइटिंग लीग में भी खेलते हुए दिखाई देंगे, जो कि आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि टीन वुल्फ गेमिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले टीन वुल्फ गेमिंग ने यह बताया था कि वो कम्पेटिटिव को क्विट कर रहे हैं, मगर अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में टीन वुल्फ गेमिंग ने यह रिवील किया है कि वो बहुत ही जल्द कम्पेटिटिव में वापस आ सकते हैं। इसी से रिलेटेड मजीद वो क्या बात करते हैं आप खुद सुन लें। अरे यार, पीएमएनसी से मुझे एक बात याद आ गई है। मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, अगर पीएमएनसी आया ना, मैं ट्राई मैं कुछ नहीं, मैं कोई न्यू टीम बनाकर चला जाऊं। कोई पता नहीं यार, मेरा दिल कर रहा है। अभी ये जो एक लैन इवेंट आने वाला है पाकिस्तान में, अगर कोई आया तो उसमें मेरा दिल है, मैं को अपनी ना एक रैंडम टीम बना के ना खेलेंगे, शुगल मेला में खेलेंगे, पक्का मेरा दिल है, मेरा दिल है। तो गाइज, आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि टीन वुल्फ गेमिंग वापस से कम्पेटिटिव ज्वाइन कर लें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइज, बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि टीम सेवंथ एलिमेंट और रूथलेस आईपी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट क्लैश ऑफ जाइंट्स से रिलेटेड है। टीम सेवंथ एलिमेंट हमें रूथलेस आईपी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट क्लैश ऑफ जाइंट के डे 2 के प्ले ऑफ के बाद छठे नंबर पर दिखाई दे रही है, और इसी के साथ साथ कल के मैचेस में टीम सेवंथ एलिमेंट ने एक चिकन डिनर पे निकाला है, तो वो मूवमेंट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। Yeah, well, Donkey right now, unsuspecting on what Alien will be bringing in. Divine takes down SM9, and it's a 1v3 situation. A clutch might be happening, but I don't think Red Team will be wanting that. Alien has been taken down, though. It's down to a 1v2. I'm quite sure you can grab a little bit of armor as well as helmet, but T24 right now goes in rain bullets. Let's see if the Mauler will make it work. Oh my goodness, my heart is already racing. Oh, accurate need, but Doki was able to heal up. What a good timing right there. Of course, I'm going in for the pinch, trying to squeeze in a Doki in this situation, but there is this a big concrete wall right in between of them that actually stopped these two teams to actually go for one another. 2v1 situation, ladies and gentlemen, and win. Coming from Divine, T2K Esports goes out. 7 Element catching the winner chicken dinner. और गाइज मजीद अगर यहाँ पे रूथलेस आईपी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट क्लैश ऑफ जाइंट के एमवीपी से रिलेटेड बात की जाए, तो दो दिन के मैचेस खत्म होने के बाद टीम सेवंथ एलिमेंट के T24 ओपी हमें टॉप फ्रैगर लिस्ट में फर्स्ट स्पॉट पर दिखाई दे रहे हैं। सेवन T24 ओपी के बारे में क्या ख्याल? अच्छा खेले यार वो, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि टीम अगोन एक्स आईएटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रूथलेस आईपी स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट के डे 2 के भी मैचेस खत्म हो चुके हैं, और उसके बाद हमें टीम अगोन एक्स आईएटी स्पोर्ट्स 17वें नंबर पर दिखाई दे रही है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि इन दो दिन के मैचेस में हमें टीम अगोन एक्स आईएटी स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी, तो इसी परफॉर्मेंस से रिलेटेड IETIQ अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम में क्या बात करते हैं, उनकी स्ट्रीम का एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। पूरी स्ट्रीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आज मैच क्यों ख़राब थे यार? ये तो अभी लीग स्टेज है, लीग स्टेज में लाइक आप खेलो यार, थोड़ा सा चिल हो के खेलो, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करो, आराम से फाइट्स लो, फाइनल्स अपना 100%। और लीग स्टेज में क्या करना है 100% देके? अगली टीम साहब की जो है ना स्ट्रेटजीज देखती हैं यार, फिर वो फाइनल से वर्क नहीं करती हैं, मतलब वर्क तो करती हैं ऑब्वियसली यार, अगर आप अच्छा खेलते हो आपकी गन पावर अच्छी हो, लेकिन ये कि लीग स्टेज जय गन पावर थोड़ा सा खेलो तो वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देती है। टॉप 16 आने के लिए कंसिस्टेंट, टॉप 16 तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, टॉप 16 का मसला नहीं है।
तो चलिए गाइज आज की ये वीडियो बस इतनी सी थी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हम 20 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।